लास्ट लेक्चर में हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन सीखी थी और कुछ एग्जांपल्स की थी जिनमें हमने सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ किया था और उनकी लिमिट हल की थी। आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे जिनमें हमने सीक्वेंसेस की लिमिट्स सॉल्व करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बात करने लगे हैं इस वक्त एक एग्जाम्पल की, और एग्जाम्पल क्या है कि डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए लिमिट की शो हमने ये करना है कि ये जो सीक्वेंस है 4n plus 1 over n plus 1 ये कन्वर्ज कर रही है 4 को। मैं याद करवा दूं आपको कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस हो xn in R का मतलब है रियल सीक्वेंस है, और हमने कहना हो कि xn एक नंबर x को कन्वर्ज कर रही है, तो हमें करना क्या होता है, हमें हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए ढूंढना होता है एक नेचुरल नंबर एन नॉट इस रिस्ट्रिक्शन के साथ के सीक्वेंस की किसी भी टर्म xn का जब हम x से डिफरेंस लेकर मॉडुलस लें तो वो एप्सिलॉन से लेस आए, और कौन सी टर्म n का, हर वो टर्म n जिसका नंबर एन नॉट या उससे ग्रेटर हो, ये हमने प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है, अगर हम इस सीक्वेंस की टर्म का नाम xn रख लें तो हमें प्रूव ये करना है कि जो xn माइनस 4 है इसका मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, तब भी सीक्वेंस की टर्म का नंबर n जो है वो n नॉट या उससे ग्रेटर लिया जाए। इस रिजल्ट को हम प्रूव करना चाहते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं याद करवा दूं हमने इस्तेमाल करना है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब भी दो रियल नंबर्स हों x और y और उनमें से एक पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रियल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर से बड़ा बनाया जा सकता है। लास्ट टाइम भी हमने इसका इस्तेमाल किया था, और हमने इसका इस्तेमाल किया था दो रियल नंबर एप्सिलॉन और वन लेकर, और एप्सिलॉन को पॉजिटिव लेते हुए हमने कहा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी के मुताबिक एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिलेगा कि एन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, वन से। अगर ये वन से बड़ा हो जाएगा तो वन ओवर एन नॉट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। इसका इस्तेमाल करना है हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा इसके इस्तेमाल में हम एन नॉट ढूंढें एप्सिलॉन और वन के लिए, डिपेंड करेगा कि हम फाइनल रिजल्ट क्या प्रूफ करना चाहते हैं। जैसे हमने वन ओवर एन नॉट को एप्सिलॉन से लेस प्रूफ किया है यहां पर कि वन ओवर एन नॉट एप्सिलॉन से लेस है, वन ओवर एन नॉट किसी एप्सिलॉन के मल्टीपल से भी लेस हो सकता है, जरूरत के मुताबिक देखेंगे जब हम क्वेश्चन हल करेंगे कि हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली इस्तेमाल किस एप्सिलॉन के लिए करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो सीक्वेंस है इसका नाम हम xn रख लेते हैं कि xn है 4n plus 1 over n plus 1, और हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली xn minus 1 के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस शो करना है। हमें किसी भी एप्सिलॉन के लिए n नॉट ढूंढना है। इस काम को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि xn minus 4 के मॉडुलस को सिंप्लीफाई कर देखते हैं कि आखिर क्या आ रहा है, वो कैसे किसी भी एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने लगे हैं xn minus 4 को। xn minus 4 को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, और xn minus 4 के मॉडुलस को xn की वैल्यू लिख लेते हैं यहां पर 4n plus 1 over n plus 1 minus 4 का मॉडुलस। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 1 over n से लेस हो जाए, या n के किसी मल्टीपल के साथ 6 over n से लेस हो जाए, 2 over n से लेस हो जाए, 1 over 3 n से लेस हो जाए, क्योंकि 1 over n को, 1 over n नॉट को हम एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं, 6 over n नॉट को भी हम एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं, 2 over n नॉट को भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं, 1 over 2 n नॉट को भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं। तो हम इसको सिंप्लीफाई करके कोशिश करेंगे कि ये छोटा हो जाए सम नंबर इंटू एन से, ए ओवर एन से, या वन ओवर ए एन से। तो इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन में लेफ्ट साइड तो हमारी एज इट इज रहेगी,
राइट साइड पर n प्लस वन एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में n प्लस वन आ गया, या n प्लस वन माइनस फोर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर एन माइनस फोर हो जाएगा, ये फोर एन प्लस वन एज इट इज आ जाएगा, फोर एन से कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस फोर जो है माइनस थ्री बन जाएगा, और माइनस थ्री का मॉडुलस हल कर लेंगे तो थ्री हो जाएगा, नीचे एन प्लस वन का मॉडुलस एन प्लस वन आ गया, थ्री ओवर एन प्लस वन आ गया। मैंने कहा हमने कोशिश ये करनी है कि ये सम ए ओवर एन का या वन ओवर ए एन का मल्टीपल बन जाए, उसके लिए मुझे ये वन छोड़ना है, इसको छोटा बनाना है ए ओवर एन या वन ओवर ए एन के मल्टीपल से। अगर नीचे वाला नंबर वन छोड़ दिया जाए, जब भी नीचे वाले नंबर को छोटा कर देते हैं किसी भी फ्रैक्शन में तो नई फ्रैक्शन पहले से बड़ी हो जाती है। अगर मैं नीचे n प्लस वन की जगह n लिख लूं तो जो मेरे पास नई फ्रैक्शन 3 ओवर n बनेगी वो इससे बड़ी होगी, और जो मैं बनाना चाहता था वो मैंने बना लिया, मैंने xn माइनस फोर के मॉडुलस को a ओवर n से छोटा बना लिया, xn माइनस फोर का मॉडुलस लेस आ गया a ओवर n से, इस a ओवर n इस 3 ओवर n को मैं एप्सिलॉन से छोटा बनाऊंगा, और किसकी मदद से बनाऊंगा, आरशी मीडियन प्रॉपर्टी की मदद से। कैसे बनाऊंगा देखते हैं जी कि कैसे बनाया जाए। किसी भी पॉजिटिव गिवन एप्सिलॉन के लिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, एप्सिलॉन ओवर थ्री लेकर, मैंने थ्री ओवर एन को एप्सिलॉन से छोटा बनाना है तो मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में एप्सिलॉन ओवर थ्री ले रहा हूं। अगर मुझे इसको फोर ओवर एन से छोटा बनाना हो तो मैं एप्सिलॉन ओवर फोर ले लूंगा, अगर मुझे इसको सिक्स ओवर एन से छोटा बनाना हो तो मैं एप्सिलॉन ओवर सिक्स ले लूंगा। यहां पर चूंकि मुझे थ्री ओवर एन को एप्सिलॉन से छोटा बनाना है इसलिए मैं एप्सिलॉन ओवर थ्री ले रहा हूं, और अगर मुझे वन ओवर थ्री एन को एप्सिलॉन से छोटा बनाना होगा तो मैं यहां थ्री एप्सिलॉन ले लूंगा। थ्री ओवर एन को एप्सिलॉन से छोटा बनाना है तो मैं एप्सिलॉन ओवर थ्री ले रहा हूं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगा हूं, एक नंबर एप्सिलॉन ओवर थ्री ले लिया, एक नंबर वन ले लिया, एप्सिलॉन ओवर थ्री को पॉजिटिव कंसिडर करते हुए मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एक नंबर एन नॉट ढूंढ सकता हूं, नेचुरल नंबर, किस खूबी के साथ कि एन नॉट से एप्सिलॉन ओवर थ्री को मल्टीप्लाई करूंगा तो वन से बड़ा आंसर आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे एन नॉट को एप्सिलॉन ओवर थ्री से तो वन से बड़ा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या किया जाए, एन नॉट को राइट पर ले जाएं, थ्री को भी राइट पर ले जाएं, थ्री ओवर एन नॉट एप्सिलॉन से छोटा हो गया, या कह लें एप्सिलॉन थ्री ओवर एन नॉट से बड़ा हो गया, इसको उलट के लिख लेते हैं, थ्री ओवर एन नॉट एप्सिलॉन से छोटा हो गया, थ्री ओवर एन नॉट एप्सिलॉन से छोटा हो गया। करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि थ्री ओवर एन को एप्सिलॉन से छोटा करना चाहते हैं, थ्री ओवर एन नॉट एप्सिलॉन से छोटा हो चुका है। जब भी हम कोई नेचुरल नंबर लें एन जो एन नॉट से बड़ा हो, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वन ओवर एन जो है वो वन ओवर एन नॉट से लेस आर इक्वल हो जाएगा, अगर एन एन नॉट से ग्रेटर आर इक्वल हो तो वन ओवर एन नॉट से लेस आर इक्वल हो जाएगा। मैं यहां बनाना चाहता हूं थ्री ओवर एन और थ्री ओवर एन नॉट की रिलेशन, उसके लिए 3 से कर लेते हैं इस इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई, 3 ओवर n लेस आर इक्वल हो गया 3 ओवर n नॉट से, 3 ओवर n 3 ओवर n नॉट से लेस आर इक्वल है, 3 ओवर n नॉट एप्सिलॉन से लेस है। इन दोनों इनक्वालिटीज का इस्तेमाल करें, यानी हम अगर 2 का इस्तेमाल करें तो 3 ओवर n लेस हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन से, और ये कौन कौन से n के लिए होगा, क्योंकि ये वाली इनक्वालिटी हर उस एन के लिए होल्ड कर रही है जो एन नॉट से ग्रेटर इक्वल है, तो दोनों को मिलाने पे जो रिजल्ट बनेगा थ्री ओवर एन एप्सिलॉन से छोटा है वो फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट होगा। वन का इस्तेमाल करें, एक्स एन माइनस फोर का मॉडुलस थ्री ओवर एन से छोटा है और थ्री ओवर एन एप्सिलॉन से छोटा है, तो वन का इस्तेमाल करने से हमारे पास रिजल्ट बन रहा है कि एक्स एन माइनस फोर का मॉडुलस एप्सिलॉन से छोटा है, और चूंकि ये वाली इनक्वालिटी हर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए ट्रू है तो दोनों को मिलाकर जो इनक्वालिटी बन रही है वो भी हर एन ग्रेटर इक्वल टू एन नॉट के लिए ट्रू है, तो बात खत्म नहीं हो गई जी।
बिल्कुल बात खत्म हो गई, यही तो प्रूफ करना चाहते थे। इसका मतलब यह है कि ये सीक्वेंस xn जो है वो 4 को कन्वर्ज कर रही है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी xn 4 के इक्वल है, और xn किसके इक्वल है, xn 4n+1 ओवर n+1 के। तो हम कह सकते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4n+1 ओवर n+1 का आंसर 4 आ गया। ये एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व की है, कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल है डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए लिमिट हल करनी है और शो ये करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n² + 1 और n² + 3n इक्वल है 2 के। मेथड बिल्कुल वही अडॉप्ट करेंगे, xn माइनस 2 का मॉडुलस हल करेंगे और उसको कोशिश करेंगे a ओवर n या 1 ओवर an से लेस शो करें, और फिर आशिमियो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम a ओवर n को किसी भी एप्सिलॉन से लेस शो कर सकते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इस सीक्वेंस की टर्म को हम xn का नाम दे लेते हैं, हमने लेट कर लिया xn इक्वल है 2n² + 1 ओवर n² + 3n। लिमिट का आंसर चूंकि हम 2 लाना चाहते हैं तो xn माइनस 2 का मॉडुलस हल करते हैं, इसके अंदर xn की वैल्यू लिख लेते हैं 2n² + 1 ओवर n² + 3n - 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके दोबारा याद करवा दूं, हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे पास ये जो xn माइनस 2 का मॉडुलस है ये a ओवर n से या 1 ओवर an से लेस बन जाए, फिर हम उसको किसी भी एप्सिलॉन से लेस कर सकेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं, जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2n² + 1 एज इट इज माइनस 2n² + 3n से मल्टीप्लाई होगा तो -2n² और -6n, लेफ्ट साइड हमारी सेम रहेगी। इसको सिंप्लीफाई करना है, 2n² + का और 2n² - का कैंसिल हो गए, ऊपर 1 - 6n का मॉडुलस आ रहा है। ये जो 1 - 6n का मॉडुलस आ रहा है, मैं इसको लिख सकता हूँ 6n - 1 का मॉडुलस, और चूंकि 6n - 1 हमेशा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव है ही नहीं n की किसी भी वैल्यू के लिए, n हमारे पास यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3, so on, तो चूंकि ये पॉजिटिव है इसको मैं सिंपली 6n - 1 लिख सकता हूँ। तो ऊपर 1 - 6n के मॉडुलस को लिख लेते हैं 6n - 1 का मॉडुलस, और नीचे n² + 3n का मॉडुलस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6n - 1 का मॉडुलस ओवर n² + 3n। मैंने बताया क्या कोशिश करनी है, कोशिश करनी है कि इसको हम लेस शो कर सकें a ओवर n या 1 ओवर an से। उसके लिए मुझे ये डिफरेंस, ये सम ख़त्म करके सिंपली n बनाने की कोशिश करनी है और इसको छोटा शो करना है। राइट साइड मैं बड़ी बना सकता हूँ, राइट साइड बड़ी बनानी है मुझे फ्रैक्शन में, मैं मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक तरीका ये कि अगर मैं न्यूमरेटर को बड़ा कर दूंगा तो इनक्वालिटी में राइट साइड बड़ी हो जाएगी, अगर मैं इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को बड़ा कर दूं तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी उसकी राइट साइड बड़ी हो जाएगी। एक मेथड ये हो सकता है, और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर को छोटा कर दूं तो नई फ्रैक्शन पहले से बड़ी हो जाएगी। फिलहाल मैं न्यूमरेटर को बड़ा कर रहा हूं, ये जो माइनस वन है इसको नहीं लिख रहा, या कह लें मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहा हूं। जब मैं 6n - 1 में 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास ये राइट साइड बड़ी हो जाएगी, मेरे पास फ्रैक्शन जो है वो बन जाएगी 6n ओवर n² + 3n। अब मैं एक और काम कर रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को छोटा कर रहा हूँ, जब भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा करेंगे तो नई फ्रैक्शन पहले से बड़ी हो जाएगी। ये 3n नहीं लिख रहा डिनोमिनेटर में से, या कहना डिनोमिनेटर में से 3n - कर रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर में से 3n - करूंगा तो नीचे सिर्फ n² रह जाएगा और मेरी नई फ्रैक्शन बन जाएगी 6n ओवर n², डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया है तो राइट साइड पहले से बड़ी हो गई है। 6n ओवर n² में n को हम कर सकते हैं कैंसल, और मेरे पास जो xn माइनस 2 का मॉडुलस है वो लेस आ गया 6 ओवर n से। मैंने कहा था कोशिश करेंगे ये a ओवर n
या 1 ओवर ए एन से लेस आ जाए। फिलहाल एक्स एन माइनस टू के मॉडल्स को 6 ओवर एन से छोटा शो कर दिया है। अब 6 ओवर एन को एप्सिलॉन से छोटा शो करेंगे। कैसे? हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए मैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए एप्सिलॉन ओवर 6 और 1 एप्सिलॉन ओवर 6 को पॉजिटिव लेते हुए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एक नेचुरल नंबर एन नॉट मिल जाएगा। ये एन नॉट को जब हम एप्सिलॉन ओवर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 से बड़ा हो जाएगा। एन नॉट इंटू एप्सिलॉन ओवर 6 1 से बड़ा हो गया। ऐसा करते हैं, इस 6 को और एन नॉट को राइट साइड पर ले जाते हैं, हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 6 ओवर एन नॉट आ गया। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि 6 ओवर एन नॉट जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। इसको नंबर दे लिया 2। एन और एन नॉट, इनमें क्या रिलेशन है? हम जानते हैं कि जब भी हम एन लें ऐसा जो एन नॉट से ग्रेटर इक्वल है तो फिर 1 ओवर एन जो है वो 1 ओवर एन नॉट से लेसर इक्वल होगा। अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 6 ओवर एन जो है वो 6 ओवर एन नॉट से लेसर इक्वल है। ये 2 और ये वाली इनक्वालिटी, इनको मिला लें। 6 ओवर एन लेसर इक्वल है 6 ओवर एन नॉट से और 6 ओवर एन नॉट लेस है एप्सिलॉन से। और ये तमाम उन नेचुरल नंबर्स एन के लिए हैं जो एन नॉट या उससे ग्रेटर है। इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास 2 का यूज करते हुए हम लिख सकते हैं कि 6 ओवर n लेस है एप्सिलॉन से और उन सारे n के लिए जो n नॉट या उससे ग्रेटर हैं 6 ओवर n एप्सिलॉन से लेस है। और एक्स एन माइनस टू का मॉडुलस 6 ओवर n से लेस है। 1 का यूज कर लेते हैं, एक्स एन माइनस टू का मॉडुलस 6 ओवर n से लेस है, 6 ओवर n एप्सिलॉन से लेस है, तो एक्स एन माइनस टू का मॉडुलस लेस हो गया एप्सिलॉन से, क्योंकि ये इनक्वालिटी उन तमाम n के लिए होल्ड कर रही है जो n n नॉट या उससे ग्रेटर हैं, तो एक्स एन माइनस टू का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आ गया। कौन कौन से n के लिए? उन सारे n के लिए जो n नॉट या उससे ग्रेटर हैं। और क्या ख्याल है, यही नहीं प्रूव करना था? जी बिल्कुल, यही कन्वर्जेंट होने की डेफिनेशन है। यहां से रिजल्ट निकल आया कि हमारी जो लिमिट है एक्स एन की एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में वो 2 आ रही है। एक्स एन हमने लेट किया था 2n square plus 1 over n square plus 3n को, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n square plus 1 over n square plus 3n का आंसर 2 आ गया। हमने एक और सीक्वेंस की लिमिट सॉल्व कर ली विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन, बल्कि ये कहना चाहिए सॉल्व नहीं कर ली, हमने इस लिमिट को प्रूव कर लिया कि ये 2 के इक्वल है। बाय डेफिनेशन हमारे लिए लिमिट हल करना मुमकिन नहीं होता। लिमिट का आंसर क्या आएगा अगर हम ये गेस कर लें, जैसे यहाँ लिख दिया गया है कि इस सीक्वेंस की लिमिट का आंसर 2 है, तो फिर हम बाय डेफिनेशन कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ वाकई ही ये आंसर है। लेकिन डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हमें अगर ये 2 आंसर ना दिया होता तो हम सोचते कि जी इसका आंसर क्या आएगा। डेफिनेशन हमें इसमें हेल्प नहीं करती है। डेफिनेशन हमें सिर्फ इस बात में हेल्प करती है कि अगर हमें किसी सीक्वेंस की लिमिट दे दी गई हो कि ये लिमिट का आंसर है, तो हम डेफिनेशन से कन्फर्म कर सकते हैं कि वाकई ही ऐसा है या नहीं है। आज की लास्ट एग्जाम्पल हम करने लगे हैं, फिर क्वेश्चन यही है कि डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हमने लिमिट को शो करना है और सीक्वेंस है 2 माइनस 1 ओवर 2n, सीक्वेंस है 2 माइनस 1 ओवर 2n और इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का आंसर हमने 2 निकालना है। ये हमारे पास xn है, इसका आंसर हमें 2 चाहिए इसकी लिमिट का, तो हमने बेसिकली प्रूव ये करना है कि xn माइनस 2 का मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट, और ये वाला n नॉट बेसिकली हमने ढूंढना है। उसके लिए इसको एक्स एन लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 माइनस 1 ओवर 2n को हम लेट कर लेते हैं, ये एक्स एन है और आंसर लिमिट का चूंकि 2 मालूम करना है तो एक्स एन माइनस 2 का मॉडुलस हल करते हैं। इसमें एक्स एन की जगह 2 माइनस 1 ओवर 2n लिख लें और ये वाला माइनस 2 एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 2 से कैंसल हो गया, लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी और राइट साइड पे माइनस 1 ओवर 2n का मॉडुलस हल करेंगे तो वो 1 ओवर 2n बन गया। हमारी कोशिश क्या है? जी हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, हमारी कोशिश ये है कि हम xn माइनस 2 के मॉडुलस को a ओवर n से
या 1/an से लेस शो कर लें। अगर हमने ऐसा शो कर लिया तो फिर हम इसको एप्सिलॉन से लेस कर सकेंगे। उसके लिए इससे पहले तक हम ये करते रहे कि हमारे पास ऊपर नीचे पॉलिनोमियल्स थी, हमने न्यूमरेटर को बड़ा कर दिया और डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया कि a ओवर n बन जाए। न्यूमरेटर को बड़ा करने से और डिनोमिनेटर को छोटा करने से हमारे पास जो है नई फ्रैक्शन पहली फ्रैक्शन से बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं कि नीचे पॉलिनोमियल बन जाए। ऊपर तो नहीं बन सकती, ऊपर तो एक्सप्रेशन ही कोई नहीं है। नीचे वाला जो 2 है हम उसको 1+1 की पावर n लिख रहे हैं और इस्तेमाल करने लगे हैं हम बायनोमियल थ्योरम का। 1+x की पावर n इक्वल हुआ करता है 1+nx+n(n-1)/2×(x)² और प्लस सो ऑन, और लास्ट टर्म आया करती है हमारे पास x की पावर n। तो बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, x की जगह 1 लिख लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1/1+n और x की जगह 1+n(n-1)/2×(x) की जगह 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, सो ऑन, लास्ट में 1 की पावर n आ गई। और हम ऐसा करते हैं कि नीचे से कुछ टर्म्स छोड़ देते हैं, नीचे वाले नंबर को कम कर लेते हैं। अगर हम नीचे से कुछ टर्म्स छोड़ दें, लेफ्ट साइड तो हमारी एज इट इज रही, राइट साइड पे 1/1+n आ गया, बाकी सारी टर्म्स मैंने छोड़ दी। 1 को भी छोड़ सकते हैं, अगर 1 को भी छोड़ दें तो ये लेस हो गया 1/n से। हमारे पास इस वक्त xn-2 का मॉडुलस 1/n से लेस आ गया और मसला ही हल हो गया। 1/n को तो हम काफी दफा एप्सिलॉन से छोटा कर चुके हैं, इस दफा a/n में a 1 बन गया है। हम इस्तेमाल करने लगे हैं आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का। किसी भी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए अगर हम आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, किस किस को लेकर, हम 1 और एप्सिलॉन को लेकर आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें तो एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाएगा कि n नॉट टाइम्स एप्सिलॉन 1 से बड़ा हो जाएगा, और n नॉट को राइट पर ले जाएं तो हमारे पास 1/n0 एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। इसको नंबर कर लिया 2। अब किसी भी 1/n को 1/n0 से छोटा करना है, कौन से n's के लिए, उन n's के लिए जो n नॉट या उससे ग्रेटर हो। और हमें मालूम है कि अगर n जो है वो n नॉट से ग्रेटर इक्वल है तो 1/n जो है वो 1/n0 से लेसर इक्वल हो जाएगा। 1/n 1/n0 से लेसर इक्वल है, 1/n0 एप्सिलॉन से लेस है। इन दोनों इनक्वालिटीज का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि 1/n जो है वो एप्सिलॉन से लेस है। कौन कौन से n के लिए, उन सारे n's के लिए जो n नॉट या उससे ग्रेटर हैं। इस्तेमाल करते हैं 1 का और इस इनक्वालिटी का, कैसे xn-2 का मॉडुलस 1/n से लेस और 1/n एप्सिलॉन से लेस, इन दोनों को मिला लें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा कि xn-2 का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस। और किस किस n के लिए, हर उस n के लिए जो n नॉट या उससे बड़ा है। बात खत्म नहीं हो गई जी, बिल्कुल खत्म हो गई, यही करना चाहते थे। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस xn है इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस में 2 है, और xn को हम लिख सकते हैं जो गिवन सीक्वेंस थी 2-1/2n, यानी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2-1/2n का आंसर 2 आ गया। हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं जिनमें हमने डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए सीक्वेंस xn की लिमिट हल्की है जी, क्या हल्की है, हल नहीं की है, हमने सिर्फ वेरीफाई किया है। उसने हमें एक सीक्वेंस दे दी थी, उसकी एक लिमिट का आंसर दे दिया था, हमने वेरीफाई किया है, प्रूफ किया है कि वाकई ही वही आंसर है। डेफिनेशन की मदद से लिमिट होगी क्या ये निकालना मुमकिन नहीं हुआ करता। डेफिनेशन की मदद से लिमिट हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जिस बारे में क्लेम किया जा रहा है कि ये इस सीक्वेंस की लिमिट है वाकई ही है या नहीं है। और आज हमने 3 एक्सरसाइज में इस क्लेम को प्रूफ किया है। अगर फर्ज करें सिर्फ ये कह देता कि बाय डेफिनेशन इसकी लिमिट हल करें, हल नहीं कर सकते थे, खुद से गैस करके वेरीफाई कर सकते थे। गैस कैसे कर सकते थे, अगर हमें आंसर 2 ना दिया होता तो हमें मालूम है कि जब भी नीचे वाला नंबर बढ़ता चला जाए तो जवाब
कम होता चला जाता है, 1/2n 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हमें गैस हो जाता है कि इसकी लिमिट का आंसर 2 आ रहा है। ना भी दिया होता तो हम खुद से 2 लिखकर यही सारा प्रोसेस कर लेते। हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर पढ़ते हुए रॉबर्ट जी बार्टल की बुक इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस को फॉलो कर रहे हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं जिनमें हमने लिमिट्स को वेरीफाई किया है बाय डेफिनेशन। एक्सरसाइज 3.1 जो बुक के पेज नंबर 60 पर है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनकी लिमिट्स को हमने प्रूव करना है बाय डेफिनेशन जो आंसर्स उसने दिए हुए हैं। ये बुक में लिखने का तरीका है, वो यहाँ नहीं लिखता लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो बहरहाल यहाँ पर लिखा हुआ मौजूद है कि इस सीक्वेंस की लिमिट का ये आंसर है। इन एक्सरसाइजेस को आप उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने कुछ एक्सरसाइजेस आपको सॉल्व करवाई हैं। अगर इनमें से कोई एक्सरसाइज आपसे सॉल्व ना हो सके, कोई मुश्किल पेश आए, तो कमेंट करें, हम आपको उसको सॉल्व करवा देंगे।